क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि आकृति 6.40 ये रहा में ए बी बराबर है ए सी। देखिए ए बी बराबर ए सी देने का मतलब यह हुआ कि यहाँ के दो कोण बराबर हो जाएंगे, एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो ये आपको पता है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा आगे फिर कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, ये देखिए एबीसी एक समद्विबाहु है क्योंकि दो भुजा बराबर है, कि बढ़ाई गई भुजा सीबी पर, बढ़ाई गई भुजा सीबी पर ई एक बिंदु है, और ये भी कह रहा है फिर कि एडी लंब है बीसी पर, और ये आपका ईएफ जो है ना, ईएफ जो है लंब है एसी पर। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीडी, एबीडी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के, ई सी एफ के। तो एक तो 90-90 हो जाएगा लंब है तो, और दूसरा देखिए ना एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए ए बी डी का है बी, और यहाँ पे आपका जो ई सी एफ का जो है वो सी हो जाएगा, हो जाएगा नहीं आसानी से सुन। चलिए तो यहाँ लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ, तो दिया है ना ए बी सी, ए बी सी एक, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, जिसमें कह रहा है कि ए बी जो है ना ए सी के बराबर है। अच्छा क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की, त्रिभुज ए बी सी की भुजा, भुजा सी बी को, सी बी को क्या तक, ई तक बढ़ाया गया है, ई तक बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है। और क्या है याद दिया कि AD लंब है BC पर, और EF जो है ना EF वो लंब है AC पर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या साबित करना है आपको कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के। चलिए इसका प्रमाण देखिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में, ठीक है, इन दोनों को समरूप करना है। तो ABD का एंगल B और ECF का एंगल C बराबर होगा कि नहीं, एंगल B बराबर एंगल C हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपके पास दो भुजाएं बराबर हो, है ना, AB बराबर AC दिया है, तो आपको पता है क्योंकि ये बराबर ये दिया है, तो आपको पता है कि सम्मुख समान भुजा, है ना, समान भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है, समान भुजा का या समान भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है। ये लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, कोण बराबर होता है, इसलिए ये हो जा रहा है, बराबर होता है। समझ में आया? अच्छा देख रहे हैं ना, ध्यान से देखिए, ए बी डी का है एंगल बी और ई सी एफ का है एंगल सी, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज की एंगल ए डी बी बराबर एंगल ई एफ सी, प्रत्येक 90, दोनों लंब है तो 90 होगा ना। चलिए यहां देख रहे ना, ए डी बी ये 90 होगा, अच्छा इधर वाला 90 तो ये भी 90 होगा, दूसरा ई एफ सी ये भी 90 हो जाएगा, प्रत्येक 90 होगा तो त्रिभुज समरूप नहीं होगा, तो त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ई सी एफ के एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता के द्वारा यह साबित हो गया। चलते अगले क्वेश्चन पे हम, चलिए क्वेश्चन